बीजेपी विधायक की माफी। कान पकड़कर उठक बैठक, दंडवत होकर माफी। कुछ कर लो, इस बार माफ कर दो। दो वीडियो और दोनों में एक ही संदेश, माफी माफी और सिर्फ माफी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि सत्ताधारी दल के विधायक ने पब्लिक के बीच जाकर माफी मांगी थी? शायद ये पहली बार है जब किसी सत्ताधारी दल के विधायक जनता के बीच जाकर अपनी नाकामियों पर माफी मांग रहे हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अंतिम जिले सोनभद्र का है, जो शख्स भरे मंच से कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा है, वो रॉबर्ट्सगंज के बीजेपी विधायक भूपेश चौबे है। भूपेश चौबे माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे थे कि 5 वर्ष में उन्होंने जो गलतियां की उसके लिए माफ करो। भूपेश चौबे ने कहा कि 5 साल तक वो कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठा पाए, इसके लिए उन्हें माफ कर दो। मंच से विधायक की माफी मांगने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि हम कह रहे थे ना, 700 से ज्यादा किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार भाजपाई अगर कान पकड़कर 700 उठक बैठक भी लगाएं तो भी जनता माफ नहीं करेगी। भाजपा के लोग वोट मांगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जनता भाजपा को माफ नहीं साफ करेगी। अभी इनके एक विधायक ने उठक बैठक लगाई है, ये बीजेपी के लोग चुपचाप जाकर के माफी भी मांग रहे हैं। बताओ, माफ तो नहीं कर दोगे इनको? इनको माफ नहीं, उत्तर प्रदेश से साफ कर देना इस बार इनको। बीजेपी विधायक के माफी मांगने का यह पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले कप्तानगंज के बीजेपी विधायक चंद्र प्रकाश मंच से दंडवत होकर जनता से माफी मांग रहे थे, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। कि अगर मैं एक मिनट भी दिया हूँ तो कप्तानगंज की जनता के लिए दिया हूँ, कप्तानगंज के विकास के लिए दिया हूँ। इसलिए इन सब चीजों को मुझे क्षमा करते हुए, जाने जाने जो भूल हुई क्षमा करते हुए, बहुत निमंत्रण आते हैं, कहीं मैं पहुंच पाता हूं कहीं नहीं पहुंच पाता हूं, उसके लिए भी क्षमा करते हुए, बहुत सारे गमी हो जाते हैं परिवार में, कहीं मैं पहुंच पाता हूं कहीं नहीं पहुंच पाता हूं। यदि हमारे प्रतिनिधि के तौर पे सुनील पांडे भी कोशिश करते हैं कि वो पहुंचते रहे, लेकिन हो सकता है वो भी न पहुंच पाए हो। हमारे परिवार के लोग भी जाते रहते हैं, हो सकता है वो भी नहीं पहुंच पाए हो। लेकिन जहां भी हमसे मुझसे गलती हुई हो, मैं एक बार क्षमा मांगता हूं, लेकिन आपकी क्षमा और आशीर्वाद ऐसे मैं नहीं लूंगा। मैं सिर झुका करके आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं और मुझे आपका आशीर्वाद, खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके अगर आशीर्वाद दे देंगे तो मैं मानूंगा कि उसको क्षमा कर दिया गया। विजयी भाव का हम सब आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से हम अपने माननीय विधायक जी का इस सौम्य स्वरूप का हम सब अभिवादन करें। बहुत ही शानदार और सुखद स्थिति।